गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ अपने गांव, अपने एक कजन की शादी में, मतलब एक भैया की शादी में। और मैं आपको दिखा रही थी ना कि मेहंदी लगा रही हूँ, तो मेरा मेहंदी का काम हो गया है। ये लगाया है मेरा मेहंदी, मैं अपने माइंड को स्विच कर ली, क्योंकि कौन मेहंदी लगा रहा था, मेरी बहन मेहंदी लगा रही थी। और उस पर मुझे लगता है 25% भरोसा है पीछे हाथ में मेहंदी लगवाने का। तो मैं सोची भाई इतना ही फिंगर वगैरह अपना करवा ली, मैं बोली कि बस ये हो गया, जो मेहंदी लगवाना था मैं लगवा ली, अब रहने दो तुम। तो उससे मैं इतना ही लगवाई, और इतना ही का वो मुझसे 50 रुपए ली है। खैर कोई नहीं, चलेगा। तो मैं अब जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि गांव का शादी कैसा होता है, गांव में कैसे कैसे रस्म होते हैं, हमारे गांव में मेरे गांव में किस तरीके का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आज है तिलक, तो तिलक में मैं सोची हूँ साड़ी पहनने का, तो बनारसी सिल्क साड़ी पहनूंगी मैं, और थोड़ा मोड़ा मेकअप करूंगी, और जो भी अपना ज्वेलरी वगैरह डालना होगा वो डालूंगी, हल्का फुल्का डालूंगी, ज़्यादा हैवी नहीं डालूंगी, बस लाइट रखूंगी। और मैं देखती हूँ, मैं आपको मिलवाती हूँ अपने गाँव के लोगों से, और यहाँ की औरतों से मिलवाऊंगी, भाभीियों से मिलवाऊंगी, बुआओं से मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी, जो भी लोग हैं, जो भी कैमरे के सामने फेस किए हैं, जिनको भी मतलब जो कैमरा फ्रेंडली हुए उनके साथ अगर मैं वीडियो बनाई और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर बताना कि आपको कैसा लगा, उनका बातचीत कैसा लगा, अगर वो ओके रही तो, नहीं तो फिर तो मैं हुई, मैं दिखाऊंगी सिंगल से कि कैसा क्या हो रहा है। तब मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर मैं आपको मिलती हूँ, और फिर आप मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही थी अपने कपड़े में। तब तक के लिए बाय। और ये मैं बनारसी सिल्क साड़ी रेड कलर का पहन के मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और पीछे बच्चे इतने बदमाशी कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से पोज दूँ, बट जैसे तैसे मैं पोज दे ली और थोड़ा इतरा ली जितना इतराना था, फिर मैं आ गई, पहुंच गई उस जगह पे जहाँ तिलक हो रहा था। और ये डेकोरेशन है। फिर मैं जब एंटर की तो ये महिला मिली जो दीदी लगती है मेरी, और सबसे पहले आप इसे ही देख रहे थे, ये बहुत फ्रेंडली नेचर की हैं, बहुत अच्छी हैं, बस इनके साथ मेरा थोड़ा मजाक वाला ट्यूनिंग है तो वो चलते ही रहता है। और फिर मैं सभी को प्रणाम की, जितने भी रिलेटिव थे जो भी थे मिले मुझे, और ये डेकोरेशन है। फिर मैं मिली, अंदर जब गई तो वहाँ कुछ भाभी लोग बैठी हुई थी गांव की, तो इन लोगों के साथ ना काफ़ी अच्छा बनता है मेरा, तो ये भाभी जो है वो चाय पी रही थी अकेले अकेले। यहाँ से उठ के फिर मैं यहाँ गई तो दादी लोग गीत गा रही थी, गीत इट मीन्स फोक सॉन्ग, जो बिहार का जो अपना स्टाइल में गाया जाता है वो गाना। फिर ये मेरी तीन बहनें जानवी, वर्षा और मानसी। फिर मैं खाने की तरफ गई, जो स्टॉल लगा था खाने का, मतलब आप हाइटी वगैरह जो भी खा लो, तो मैं सोची पहले खा लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर कुछ करते हैं। तो वहाँ पे स्टॉल है साइड में, लेफ्ट साइड में दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं वहाँ गई, मैं सोची पहले खा लेते उसके बाद कुछ करते। तो ये चाउमिन था जो मुझे सबसे अच्छा लगा खाने में, और उसके बाद फिर मैं जगह खोजी, जगह तो मिला, फिर मुझे चेयर एक ही दिखा, तो मैं बोली चलो भाई जल्दी से चेयर ले लो वरना कोई इसे भी ना लूट ले। उसके बाद फिर मैं ये खाई, और फिर मैं किससे मिली, मिली है मेरे कूलिंग चिंचू से। तो बताइए, पूछिएगा हमको कि नहीं पूछिएगा? कैसे पूछिएगा? खाने के बाद। ये तो गलत है, तुम बोलो कुछ। हम ना खाएं या तो खाने देंगे बाद। तो खाने क्यों दे रही हो फिर उनको? ना हम इसलिए जल्दी खा रहे हैं कि दोबारा भी खाना है ना, तो इसलिए अभी बाद में पूछे, सेकंड वाले में पूछे। ये देखिए प्यार, ये 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 है प्यार। यार एक दम पेट में खिला देते हैं। देखिए वो आपको खिलाई, आपने खिलाया, आप किसको नहीं खिलाया भाई? तो आप इन्हें ही देखे थे स्टार्टिंग में, जो ले जा रही थी ये सत्तू का लिट्टी ले जा रही है, जो बिहार का काफ़ी फेमस खाना होता है, मगर हम लोग इनको दो बार पकड़ लिए, एक बार ये ले जाते हुए, एक बार छोले ले जाते हुए। तो एक्चुअली ये खा नहीं रही थी, बस लेके जा रही थी, और हम लोग इनका टांग खिंचाई कर रहे थे कि अरे कितना खाओगी कितना खाओगी, तो ये थोड़ा सा मज़ा आ रहा था इनको छेड़ने में। और फिर मैं मिलाती हूँ आपको, देखिए दूल्हे राजा से। हाँ ये है
दूल्हे राजा जिनका आज तिलक था और ये बहुत स्मार्ट बहुत खुश लग रहे थे और ये हेलो बोलो भाई। और अब हम आ गए हैं छत पर और ये सारा फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह सामान जो भी आप लड़के को तिलक करने के टाइम पे देते हैं, तिलक इट मीन्स कि एक भाई आता है, लड़की का भाई जो होता है वो दूल्हे को ना तिलक करता है और श्योरिटी देता है, उससे श्योरिटी लेता है कि हाँ आप मेरी बहन जाएगी, आप परिवार दो परिवार मिलेंगे तो खुशियाँ होंगी। मतलब ये बेसिकली एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है शादी का, लड़कों के तरफ बेस्ट फंक्शन होता है। और ये सारी भाभी लोग बैठे हुए हैं, फिर सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, तो फिर हम अच्छा चीट कर आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये है सूप, इसी में जो चावल है वो पीला कलर का होता है, हल्दी से रंगा हुआ चावल है। और मम्मी ये बलाएं ले रही थी उनकी और आशीर्वाद दे रही थी। और ये चुमाना कहते हैं इसे, हम लोग अच्छा चीट कर लड़के की नज़र उतारते हैं, चुमाते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। और मम्मी भी लड़के को तिलक करेंगी और फिर उनकी मम्मी को तिलक करेंगी। और ये बुआ लोग उनके सर पे कुछ रख रही थी, तो इधर से जो भाभी लोग हैं वो उनको डांट रही थी कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि होता नहीं है ननद और दुल्हन, भाभी और ननद का थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे था, तो वे लोग अपने में लड़ाई कर रही थी। मतलब मज़ा वाला लड़ाई था, कुछ ऐसे बहसबाजी वाला लड़ाई नहीं था। और यहाँ पे एक भाभी है वो भी तिलक करके और फिर उसके बाद उनकी मम्मी को वे सिंदूर लगा रही थी, नाक पर से सिंदूर हमारे में लगता है तो काफ़ी अच्छा होता। और बच्चे इधर जो थे वो अपना हेलो हाय कर रहे थे और इसी बीच मैं देख रही थी कि मेरा मेकअप सही है या नहीं है, और मैं बिल्कुल टिप टॉप लग रही थी, कहीं से भी कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत खुश थी कि हाँ जैसा मैं मेकअप करके आई हूँ वैसा है। और बस, और इसके बाद फिर हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और हम खुश थे कि फ़ोटो हो रहा है, बट पता चलता है कि नहीं वीडियो हो रहा है, तो हम लोग बेवकूफ़ बन गए कि हम तो फ़ोटो के लिए यहाँ पे पोज दे रहे थे और वीडियो बन गया। फिर हम गए खाने की ओर, तो वो तो स्टार्टर में इतना खा ली थी मैं, तो फिर मैं बहुत लाइट रखी, दो पूड़ी और ये सारी चीज़ें। और आज दूसरा दिन है और ये वही दीदी हैं जो आपको दिखी थी सामान ले जाते हुए, तो यहाँ नाक से सिंदूर कर रही हैं क्योंकि जो भी सुहागन होती हैं उनको नाक से सिंदूर किया जाता है शादी में, और ये भी की हुई हैं। और फिर मैं देख रही थी कि हाँ ये सिंदूर कैसा है और आँख कितना सूज सा गया है क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, क्योंकि इतने दिन के बाद सबसे मिलो ना तो अलग लगता है। और ये मैं ब्लैक ब्लैक पहनी हुई हूँ और ये बन रहा है मंडप लड़के का, ये चार बांस काट के घर में ही लोग बनाते हैं क्योंकि यहाँ खुद से ही बनाया जाता है हमारे में, दूसरे बाहर से आके लोग नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंडप बनाना। फिर रेत डाल के उसे मजबूती दे रहे हैं ताकि वो गिरे नहीं। हम बस बस ऐसी ऐसी ऐसी, देखिए ये महिला पी के लेटी हुई है, ध्यान से देखिए इनको, ये बहुत ज्यादा पी ली है, बिहार में शराब बंद है फिर भी ये पी रही है और पी के इस तरीके से ये लेटी है। नहीं 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 ये तो जाएगा, ये जाएगा, ये ये इनको देखिए। वो एक्चुअली मस्ती था, उनके साथ हम मस्ती कर रहे थे, फिर हम वहाँ से वापस जा रहे थे। और ये मैं ब्लैक कलर का लहंगा पहनी हुई हूँ। फिर आता है रात का टाइम और ये जो है वो हल्दी का फंक्शन है और यहाँ पे हल्दी लगाते हैं लड़कों को इसी तरीके से। और वो केन दिख रहा है आपको, उसमें क्या होता है कि जो भी आते हैं उनके गाल में इस तरीके से लपेटा जाता है, और जैसे ये हुआ। और यहाँ मुझे भी लग रहा है भाभी लगा रही हैं, उधर से जीजा जी लगा रहे हैं, इनसे तो मैं बदला लेती हूँ, बहुत अच्छे से बदला लेती हूँ मैं। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो जो शादी का फंक्शन होता है ना, आप उसमें बहुत कनेक्ट करते हो। आप कहीं से भी जाओ ना, शादी का फंक्शन ना दिल खोल के हंसने वाला होता है, दिल खोल कर इंजॉय करने वाला होता है। तो मैं तो बहुत मज़े की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे तो अच्छे से हल्दी चढ़ाना भी नहीं आ रहा था, बट ठीक है मैं चढ़ा ले रही थी, मुझे बार बार ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा एक दो बार गलत चढ़ा दी थी। फिर मैं बोली अच्छा अब मैं जीजा जी से बदला लेती हूँ, फिर मैं उनके गाल में लगाई और बहुत बहुत अच्छे से वो लगाए, बिल्कुल नाना नहीं किए, और फिर हो गया। ये बदला लिया गया है, उन्होंने ये किया है, इनका ये हुआ है। और यहाँ मेरी मम्मी और बुआ में जंग लगा हुआ है कौन किसे हल्दी लगाएगा। बुआ का फेस पे पूरा हल्दी लगा हुआ है और मम्मी कह रही है मैं धोकर आई हूँ अब नहीं लगवाऊंगी। बुआ नहीं भाई लगाना तो पड़ेगा।
और फिर हो गया आज का ख़त्म, और मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय।